हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, मतलब सारणिक। लेकिन इससे पहले कि मैं सारणिक पर बात करूं, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा मैट्रिक्स का, तो वहां पर हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जिसको हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना था, प्रतिलोम फाइंड करना था उसका, लेकिन बाई प्रोसेस ऑपरेशंस के द्वारा, अभिक्रियाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन का कुछ स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया और बाकी लोग ट्राई नहीं किया लगता है मेरे को। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, 15 जो ट्रिक्स मैं बताया था उस बेस पर आपको ट्राई करना था। कई स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि हमारे सिलेबस में नहीं है, मे भी हो सकता है कि कुछ स्टेट में ये सिलेबस में ना हो। CBSE में तो 100% है और NCERT बुक में इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देख लीजिए और प्रैक्टिस भी करेंगे तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इन्वर्स निकालने का बेस्ट मेथड है। और जिनके बोर्ड में उनको तो करना ही है, तो मैं आज उसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। दो स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, ये मैं उनका नाम अनाउंस करता हूँ इस वीडियो में। एक तो सत्यम राजपूत ने किया और दूसरा ललित भाटी ने किया। ये दोनों स्टूडेंट्स ने पिछला भी क्वेश्चन बनाया था, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, सब लोग ट्राई करिए उसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स को जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप अच्छा कमांड नहीं कर सकते। सिर्फ आप मेरे वीडियोस देखते रहोगे, सिर्फ वीडियो आप देखते रहोगे तो आपको लगेगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप न्यू क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं मैट्रिक्स के इस क्वेश्चन को बता दूँ और उसके तुरंत बाद में स्टार्ट करूँगा न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट्स सारणिक। देखिए मेरा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन था जीरो वन टू, नेक्स्ट रो इज 1 2 3 1 2 3 एंड नेक्स्ट रो इज 3 1 1 3 1 1। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका हमको इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम सबसे पहले, जो देखिए जो फार्मूला मैं आपको दिया कि सिंस अपने को पता है कि हम a को लिख सकते हैं क्या, i into a, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखिए हमारा मैट्रिक्स ये 0 1 2 1 2 3 3 1 1 एंड i इज आइडेंटिटी, मतलब तत्समक, ये हो जाएगा 3x3 का, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है। और a को हम a ही लिखते हैं, ये हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको, इसमें ऑपरेशन लगाना है, इसमें रो के साथ, और हमको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको चेंज करना है। मतलब हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में आ जाए, मतलब ये i बन जाए, और इसके कारण इसमें जो भी चेंज होगा वो होता रहेगा। तो आई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के दिया था। कई लोग यहाँ पर प्रॉब्लम आया होगा कि मैंने रो में कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके उसको 1 बनाना आपको सिखाया था, लेकिन यहाँ 0 पर कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें या कुछ भी डिवाइड करो तो 0 रहेगा। तो थोड़ा यहाँ पर नयापन है क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। देखो R2 में ये 1 है, तो हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, अपने को मालूम है। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन लगा दें, यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा दें R1 इंटरचेंज हो जाएगा किसमें, R2 में, मतलब हम R1 की जगह R2 लिखेंगे, R2 की जगह में R1 लिखेंगे। तो ऐसा करें, दैट इम्प्लाइज हमारा मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, देखिए हम इसको यहाँ लिखेंगे, मतलब R2 को हम R1 में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3, और ये यहाँ आ जाएगा 0 1 2 एंड 3 1 1। दैट इक्वल, यही काम हम इसमें भी करेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वो राइट हैंड साइड में करेंगे। तो ये ऊपर चला जाएगा 0 1 0, और यहाँ आ जाएगा 1 0 0, और ये तो अपनी जगह में रहेगा 0 0 1 और इंटू ए, ये हो गया। तो हम यहाँ पर 1 ले आए। अब अगला काम हमारे यहाँ पर 0 लाना, जो ऑलरेडी है, यहाँ हमको 0 लाना है, तो 0 तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पर 3 को हम 1, 3 को क्या करेंगे, 0 करेंगे।
तो अगला हमारा टारगेट है क्या, मैं राउंड करते करते जा रहा हूँ, ये थ्री को क्या बनाना टारगेट है हमारा, थ्री को जीरो बनाना टारगेट है। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर आप देखो इस तरह से कि यदि इसमें थ्री को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया जाए तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, हम करेंगे आर थ्री में प्रोसेस, और क्या करेंगे आर थ्री में हम माइनस करेंगे क्या, थ्री का मल्टीप्लाई करके किसमें, आर वन में। ये इस प्रोसेस को अपन यहाँ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको वैसे लिख दो, वन टू थ्री जीरो वन टू, और यहाँ पर हो जाएगा इसमें थ्री तो ये जीरो हो गया, इसमें थ्री हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स होगा, और इसमें माइनस करेंगे तो वन माइनस सिक्स ये माइनस फाइव हो जाएगा, यहाँ नाइन होगा और वन माइनस नाइन ये माइनस एट हो जाएगा। दैट इक्वल, यहाँ भी इसको अप्लाई करें तो ये जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो। अब यहाँ पर आप देखो आर थ्री हम माइनस करेंगे, इसमें थ्री को माइनस, तो थ्री ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा, इसमें थ्री मल्टीप्लाई करूँ और इसमें माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, और ये तो वन का वन ही रहेगा और इंटू ए। ये हो गया हमारा ये प्रोसेस। तो हम वन बाई वन इस तरह से, जो 15 ट्रिक्स में आपको बताया था, हमारा 15 ट्रिक्स कैसे चलता, ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा ये, और ये हमारा 15 ट्रिक्स जो मैंने बताया था यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ पर ख़त्म होंगे। तो देखो हम ये जीरो कर लिए, अब अगला टारगेट क्या है हमारा, इसको जीरो करना, तो मैंने बताया था इसके ठीक ऊपर वाले के हेल्प से करना है। तो ये वन है, वन में यदि मैं फाइव मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूँ तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसके जितने ऑपरेशन हैं उसको आपको डिसाइड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन डिसाइड करेंगे, यहाँ पर किसके लिए करेंगे, आर थ्री के लिए। हमको लिखना है आर थ्री में टेंस टू क्या करना है, आर थ्री में हमको प्लस करना है इसमें फाइव मल्टीप्लाई करके, किसमें, प्लस आर टू, आर टू में मल्टीप्लाई करके। अब इस प्रोसेस को हम अप्लाई कर दें यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा अपने को, देखो दैट इम्प्लाइज, बस सावधानी से लिखना है, वन टू थ्री, इसमें थोड़ा एडल्ट रहने की जरूरत है, ध्यान रखना कुछ गलती होने का चांस रहता है, जीरो वन टू जीरो वन टू। अब यहाँ पर आप देखो ये आर थ्री में हम लिख रहे हैं, आर टू में फाइव मल्टीप्लाई जीरो है, इसको तो कोई चेंज नहीं होगा, ये जीरो ही रहेगा। यहाँ पर देखो फाइव मल्टीप्लाई हो किसके साथ ऐड करेंगे तो ये जीरो हो गया। अब इसमें फाइव मल्टीप्लाई करेंगे टेन हो जाएगा, और इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो टेन माइनस एट कितना हो जाएगा, टू, तो ये टू हो गया। और दैट इक्वल राइट साइड में भी अपन इसको अप्लाई करेंगे तो राइट साइड में देखो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो। और यहाँ पर आर थ्री में हम क्या करेंगे, इसमें फाइव मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में ऐड करेंगे, आर थ्री में ऐड करेंगे इसमें फाइव मल्टीप्लाई करके, तो फाइव प्लस जीरो क्या हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये तो जीरो ही रहेगा तो ये माइनस थ्री का माइनस थ्री रहेगा, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव तो जीरो हो जाएगा और आर थ्री तो ये वन ही रहेगा और इंटू ए। तो ये ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगा दिया, क्लियर। दैट इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप आप देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा टारगेट है इसको वन करना। तो इसको वन करने के लिए जो नंबर होता है उसमें उसके अपोजिट मतलब उसके रिवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टू में वन अपॉन टू मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बन जाएगा। तो सीधा हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, हम आर थ्री में करने वाले हैं वन अपॉन टू आर थ्री, ये करने वाले हैं, मतलब इस आर थ्री में वन बाई टू हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स वन टू थ्री जीरो वन टू, इसमें वन अपॉन टू मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, यहाँ वन अपॉन टू मल्टीप्लाई होगा तो वन हो जाएगा। दैट इक्वल राइट साइड में भी करेंगे जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया फाइव अपॉन टू, ये माइनस थ्री अपॉन टू, ये वन अपॉन टू और इंटू ए, क्लियर। तो साइड में ऑपरेशन को लिखते जाएंगे और यहाँ पर हम उसको अप्लाई करते जाएंगे। अब अगला टारगेट इसको हमको जीरो बनाना है, क्लियर। तो जीरो कैसे बनेगा, इसमें टू मल्टीप्लाई करूं और उसमें माइनस कर दूं तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, आर टू के लिए हम करेंगे, आर टू में करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, आर टू में हम माइनस करने वाले हैं आर थ्री में टू मल्टीप्लाई करके, तो टू आर थ्री ये हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करिए
देखिए यदि आपने मेरा ट्रिक्स पकड़ लिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट और वो टाइम पास काम आएगा यदि आपने ये 15 ट्रिक्स पकड़ लिया, क्योंकि इसको मैं डिटेल में इसके पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। ये तो प्रॉब्लम दिया था उसको आपको सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट है। यदि आपके पास ट्रिक्स नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है। चलिए तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। अब हम यहाँ अप्लाई किए हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, 0 रहेगा। इसको इसमें माइनस करेंगे मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोई चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 0, 0, 1 दैट इक्वल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0, 1, 0, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करूँगा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस 5 तो क्या उतना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2, 2 कैंसिल होगा, तो 0 माइनस -3 मतलब ये +3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई यहाँ माइनस करूँगा तो ये -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/2 -3/2 एंड 1/2 इंटू ए। दैट इम्प्लाइज अब नेक्स्ट स्टेप का टारगेट हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ तो 1 है ऑलरेडी, इसको हमको क्या करना है, 1 करना है। ये 15 ट्रिक्स पर चल रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं। अब इसको हमको 0 करना है, तो नेचुरली आपको दिख रहा है इसमें 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस का, बगल वाला उसको बता देता है कि क्या करना है। तो क्या करने वाले हैं, अपन ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं किसमें, R1 में, और क्या R1 माइनस 2 R2 ये करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ये 0 हो गया, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 0, 1, 0, 0, 0, 1 ये हो जाएगा दैट इक्वल। अब देखिए यहाँ पर हम R1 में माइनस करने वाले, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 माइनस 8 इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, +8 हो गया। इसके बाद इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसे माइनस करेंगे तो 1 माइनस 6 ये -5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये 2 हो जाएगा, -2 फिर माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये -4, 3, -1 ये हो जाएगा 5/2 -3/2 एंड 1/2 इंटू ए। अब लास्ट प्रोसेस हमारा बचा क्या, इसको 0 करना है। तो आपको नेचुरली ये दिख रहा है कि हम क्या कर दें, दैट इम्प्लाइज इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, माने हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R3 टेंस टू R1। तो R1 में हम माइनस करेंगे किसको, 3 मल्टीप्लाई करके 3 R3, ये हमारा प्रोसेस होगा। करते हैं अप्लाई अपन, 1, 0 ये 0 हो गया, 0, 1, 0, 0, 0, 1 मतलब ये I1 गया। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ पर हम R1 में R1 माइनस ये, इसमें 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 2 तो ये 8 माइनस 15 अपॉन 2। क्लियर, एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, 8 माइनस 15 अपॉन 2 तो 16 माइनस 15 माने कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। इसके बाद इसमें ये हो जाएगा -5, इसमें 3 मल्टीप्लाई करूँगा 9/2 होगा, -, प्लस ये हो गया 9/2 तो -10/9 मतलब -1/2 ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 2 माइनस 3/2 इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई करके 3 का गुणा करके तो 4 माइनस 3 माने 1/2 ये 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद ये -4, 3, -1, 5/2, -3/2 एंड 1/2 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग में सपोज करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको इधर ट्रांसफ़र करने से एक्चुअल में I=A−1 × A होता है, ये मतलब है। मतलब यदि इसको हमने क्या बना दिया, I बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, A इन्वर्स और A इंटू ए तो है ये। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आव्यूह आया, यहाँ जो मैट्रिक्स आया, यही क्या है, इन्वर्स का वैल्यू है। तो ये A इन्वर्स हमको फाइंड हो गया। तो देखिए
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के स्टेप में इसका आंसर फिक्स है, 8 स्टेप में। मैंने ये ट्रिक्स को बनाया ही ऐसा है कि यदि आप 8 स्टेप वर्क करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ये ट्रिक्स को आपको पकड़ना है। अदरवाइज आप देखना कई बुक में राइटर्स इसको 25-30 स्टेप तक बनाए हैं, क्योंकि यदि प्रॉपर प्रोसेस में आप नहीं चलेंगे तो ये क्वेश्चन उलझ जाएगा। इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार मैं NCERT का क्वेश्चन था ये, मैं आंसर टेली कर लेता हूँ इसका, बुक में आंसर जो दिया हुआ है, आंसर इसका इसने दिया, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/2 -1/2 -4 -1 5/2 -3/2 1/2। वैसे दो स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, अच्छा मेहनत करके बनाया, मुझे खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि सब लोग ट्राई करें, इसलिए मैंने इसको बता भी दिया आपको कि हमको इसको किस तरह से बनाना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का ये पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आगे का सुन लीजिए आप, अब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, मतलब सारणिक, और सारणिक पढ़ने के बाद फिर एक बार मैट्रिक्स में एंट्री करेंगे, और फिर हम इन्वर्स से ही निकालेंगे, लेकिन एडजॉइंट की सहायता से, सहखंडज की सहायता से। मतलब मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स के बाद फिर थोड़ा मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, ये ऑर्डर है। कई राइटर लोग अपने बुक में मैट्रिक्स को सेपरेट और डिटर्मिनेंट्स को सेपरेट पढ़ाते हैं, ये सही नहीं है। पहले हमको मैट्रिक्स, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, NCERT बुक में एग्जैक्ट ऐसे दिया होगा, या RD शर्मा आप पढ़ेंगे उसमें ऐसे दिया होगा। तो अभी हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, और उसका लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा फिर मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने पर होगा। मैट्रिक्स निकालने के, हमारे इन्वर्स निकालने के दो मेथड हैं, एक ये बाई ऑपरेशंस, यूजिंग ऑपरेशंस प्रोसेस, एंड सेकंड इज बाई यूजिंग एडजॉइंट, वो बाद में पढ़ेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। यदि आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का PDF मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। कई स्टूडेंट लोग डिमांड करते हैं कि सर मैथ्स का PDF डाल दीजिए, पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आप मेरे से प्रोसेस सीखो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से उसको समझो वीडियो में, एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखो, उसके बाद अपने टेस्ट बुक से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ये तरीका है मैथ्स पढ़ने का। मैं तो आप PDF डाल दूंगा तो सॉल्यूशन गाइड हो जाएगा, वो गाइड देख के कोई मैथमेटिक्स से स्ट्रांग नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैथमेटिक्स का कोई PDF नहीं, मैथमेटिक्स में आप मेरे बोर्ड से स्क्रीन से पढ़िए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका टाइम देता हूँ मैं आपको। ओके, तो आगे अब हम चलते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या? डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। आज मैं दूंगा आपको सारणिक का इंट्रोडक्शन। सारणिक के इंट्रोडक्शन के बाद कंटिन्यूअस फिर अपन एक एक वीडियो में उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले आप उसको इंट्रोडक्शन समझिए जो आज की वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स कॉमन बिहेवियर वाला मैथमेटिक्स है। दोनों का जो बिहेवियर है 90% सिमिलर है। तो आज मैं पहले तो कंपेरेटिव आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस किस तरह से है, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट्स हमारा टॉपिक है, देखिए हमारे पास जो एलजेब्रिक रिलेशन होता है, बीजगणितीय संबंध होता है, उस बीजगणितीय संबंध को सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए एक न्यू मैथमेटिक्स डेवलप किया गया, वो सारणिक हुआ। यहाँ पर यदि मैं आप सॉफ्ट फॉर्म में आपको बताऊँ तो हम जो मैट्रिक्स पढ़े, देखिए मैट्रिक्स का सिंबल क्या था, ये था, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का सिंबल ये है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स का सिंबल होता है ये टू पैरेलल लाइंस। पहले तो ये बात आप समझ लो संकेत को, क्लियर? इसमें इस तरह से ब्रैकेट जैसा था, इसमें टू पैरेलल लाइन, ये डिटर्मिनेंट्स का संकेत है। इसको हम जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर ABCD से रिप्रेजेंट करते थे, और डिटर्मिनेंट्स को हम डेल आर कैपिटल डी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसमें एक मैं कंपेरेटिव आपको बता रहा हूँ, इस तरह से होता है। फिर आपने खास बात इसमें क्या देखा कि इसमें रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, 3 रो 2 कॉलम हो सकते हैं। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, मतलब एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है वो। जैसे यहाँ पर मैं इसको 3x3 बनाऊंगा या 2x2,
मतलब इस तरह से बनेगा, सपोज ये 2x2 है, या d इक्वल टू मैं बनाऊंगा तो ये 3x3 बनेगा, या d इक्वल टू मैं बनाऊंगा तो सीधा ये 4x4 बनेगा। बात समझ गए आप? जबकि मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले कंपेरेटिव बता रहा हूँ। क्या कई स्टूडेंट दोनों में शुरू में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उनको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जैसे लगने लगता है, तो ध्यान रखना सिंबल में डिफरेंस समझ गए आप। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या मैं बताया कि इसमें रो एंड कॉलम हमेशा क्या होंगे, बराबर। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि मैट्रिक्स का जो आंसर है आपने देखा हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में आता है, लेकिन इसका स्केलर फॉर्म में आता है, मतलब पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू मिल जाता है इससे। अभी आगे आपको बताऊंगा, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलता, मैट्रिक्स का फाइनल आंसर भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स का जो फाइनल आंसर है वह किसी कांस्टेंट वैल्यू किसी नियत मान के रूप में भी आ सकता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर A11, A12, A21, A22, ये रो और कॉलम को जैसे अपन मैट्रिक्स में लिखते हैं, जैसे इसको क्या लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये क्या है, रो और कॉलम इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये कहलाता है सारणिक। अब धीरे 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 हम इसके कॉन्सेप्ट पर पहुंचते जाएंगे। तो आज मैं इसके कुछ 2x2 के मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन 3x3 के मैट्रिक्स में एंट्री करेंगे, क्लियर। तो ये मैं कंपेरेटिव आपको बताया, आप ये पढ़े, अब ये हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान में रखना। एक बार रिपीट करता हूँ, मैट्रिक्स का सिंबल ये है, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है सारणिक का। मैट्रिक्स में रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सपोज इसको मैं लिख दूं 3x2, तो सही है ये, हो सकता है 3 रो हो 2 कॉलम हो, लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का जो आंसर है फाइनल आंसर मैट्रिक्स फॉर्म में आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स का जो फाइनल आंसर है वो किसी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में आता है, आगे समझ में आएगा आपको। अब हम देखते हैं सारणिक को कि 2x2 के सारणिक को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। कुछ मैं अच्छे क्वेश्चन का एग्जांपल लेके आपको, जो 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का बहुत बार एग्जाम वगैरह में आया है, हालांकि बहुत ईजी है लेकिन एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन के हेल्प से ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पहले पता चले कि किस तरह से हम सारणी को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे इसके फंडामेंटल में जाएंगे, एकाएक मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज तो मैं केवल इसको बेसिक चीज़ को आपको बताऊंगा। तो 2x2 का हम जो मैट्रिक्स होता है कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 2x2 का सॉरी डिटर्मिनेंट्स को, ये सपोज d इक्वल टू, ये सब आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ जो दो दो लाइन के हैं लेकिन आते हैं एग्जाम में, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, ये क्वेश्चन है 2x2 का है। आप देखो इसमें दो रो दो कॉलम है, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। कैसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ये इस तरह से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस होगा इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगे, मतलब ये साल वो कैसे होता है, बहुत आसान है शुरुआत में, लेकिन बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा, ये है sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, इस तरह से। ये बीच में माइनस का साइन रहेगा जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इक्वल ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस ये sin² थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। तो देखो मैंने बोला था यदि ये मैट्रिक्स होता तो इसका फिक्स कांस्टेंट वैल्यू नहीं आता, उसका आंसर भी मैट्रिक्स फॉर्म में आता, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू कांस्टेंट आ गया, 1 आ गया, तो इस तरह से ये सॉल्व होकर कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। और मैं एक आध क्वेश्चन ले लूँ 2x2 का ही, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है 2x2 में, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये क्वेश्चन जैसे ओमेगा वाला बता दूँ मैं, 1 ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा, ओमेगा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इकाई का घनमूल, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, और ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो प्रॉपर्टी है ओमेगा का, इसी के बेस पर बनता है। इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई होगा ओमेगा माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया क्या, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ तक इसका आंसर नहीं है, अब ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगा, यहाँ पर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, मान इसका वैल्यू कितना होता है -1, ये इसका आंसर होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओमेगा की प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो क्लियर हो गया आपको 2x2 का
किस तरह से साल्व होता है, क्लियर। तो ये इस तरह से आप साल्व करोगे सारणी को, जो 2x2 बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है इस तरह से, इसमें गुणा और माइनस इसमें गुणा। तो 2x2 का हम इस तरह से बनाते हैं और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 3x3 का डिटर्मिनेंट्स है, उसको बनाने का बहुत सा प्रोसेस है, उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना पड़ता है, वो प्रॉपर्टी तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ मैं इसके बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के अगले वीडियो को अटेंड करेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, उप सारणिक और सखंड। सपोज यहां पर मैं एक डिटरमिनेंट्स लिखता हूं, ऐसा आप धोखे से भी नहीं करना ना, जैसे भी हो गया था मेरे से पूरा अर्थ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रैक्टिस रहती फटाफट हड़बड़ी में हो जाता है। ये मान लो मैं एक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, 32, A33, ये मैंने डिटर्मिनेंट्स लिखा। अब इसके लिए मेरे को आपको समझाना है, दो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं मैं। सबसे पहले उपसारणिक, माइनर बोलते हैं ना, उपसारणिक, माइनर्स, माइनर्स उपसारणिक, नाम से स्पष्ट है उपसारणिक, माइनर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ये तो एम, जैसे हमको उपसारणिक निकालना, मतलब सारणिक का छोटा पार्ट, तो उपसारणिक निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज हम M11 निकालें, तो M11 कैसे निकलेगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा M11 माइनर्स या उपसारणिक। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सारणिक के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद ये चार एलिमेंट्स बनेंगे, बचेंगे, और ये चारों एलिमेंट से जो सारणिक बनेगा उसको आप उसका क्या कहेंगे, उपसारणिक कहेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, A22, A23, A32, A33। तो बहुत आसान काम है, आज मैं केवल इसको निकालना सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट अपन पार्ट में उसके क्वेश्चन करेंगे। जनरली मैंने आपको बताया है कि उसी तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ये माइनर हो गया, और जैसे कोई भी आप माइनर निकालना चाहें, सपोज आपकी मर्जी हो रही है कि M31 निकालूँ, मैं M31 निकालूँ, तो थर्ड रो इसको मिटा दूँ मैं, आपको पहचान कराने के लिए, थर्ड रो बोल रहा है, तो थर्ड रो क्या हुआ, ये थर्ड रो हो गया, और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो बोल रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, मतलब जो ऑर्डर का रहेगा उस रो और कॉलम को छोड़ देना है। उसको छोड़ने के बाद जो आपको डिटर्मिनेंट्स मिलेगा उसको आपको लिखना है। तो क्या मिला, ये दो चारों मिलेंगे, तो हो जाएगा A12, A13, A22, A23, ये हो गया। अब समझ गए होंगे, सपोज मेरे को M22 निकालना है, तो 22 निकालना है तो क्या करूँगा मैं, 22 मुझे निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा मैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दूंगा, तो ये मैं सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दिया, तो कौन कौन से बचे आपके पास, ये चारों बचे, तो हो जाएगा A11, A13, A31 और A33। इस तरह से आपको माइनर निकलेगा, आगे समझ में। तो ये माइनर निकालने का फार्मूला है, इस तरह से हम उसको निकालते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसके फैक्टर्स, कोफैक्टर्स, सखंड बोलते हैं हिंदी में इसको, कोफैक्टर, सखंड। तो ये हम कोफैक्टर या सखंड, जैसे माइनर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोफैक्टर को या तो हम सी से, सी फॉर को, या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसके लिए फार्मूला आपको बता रहा हूँ, AIJ, AIJ मतलब आई रो है, जे उसका कॉलम है,
तो इसका फार्मूला होता है माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे और इन टू एम आई जे। इस फार्मूला को आप याद रखना, ये क्या है, कोफैक्टर निकालने का फार्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आते ही इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसलिए आपको अभी से बता दूं कि इसको आपको ढंग से तैयार करके आना है, ठीक है? या एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता दूंगा अभी पहले डेमो के लिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके आना है। जैसे मान लो मेरे को कहीं पर लिखना है कि a12 का मेरे को क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो उस फार्मूला में पुट करूंगा मैं, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू, वन प्लस टू ये, और इन टू एम वन टू दैट इक्वल माइनस वन टू द पावर थ्री और एम वन टू, वन टू मतलब क्या है, फर्स्ट रो, ये मैं रेड को मिटा देता हूँ आपको समझाने की, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस होएगी। फर्स्ट रो को छोड़ना है, सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो छोड़ दिया और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, ए टू वन, ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, और आगे आप क्या कर लोगे, इसको फिर ऐसे सॉल्व कर लोगे, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये माइनर ऐसे निकलता है और कोफैक्टर ऐसे निकलता है, ये दोनों आपको टेक्निक को समझना है। अब एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिसमें हम माइनर और कोफैक्टर निकालने की बात करेंगे। क्लियर? ये तो मैंने आर्टिकल फॉर्म में बताया, तो आपको यदि स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इस प्रोसेस का, बाकी इसमें कुछ नहीं समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने के लिए। माइनर और कोफैक्टर क्या करता है, सारणी को छोटा कर देता है, डिटरमिनेंट्स को इस्तेमाल कर देता है, उसके सहायता से वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई सा भी। जैसे सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है D इक्वल ये जीरो वन माइनस टू, जीरो वन माइनस टू, माइनस वन टू थ्री, माइनस वन जीरो थ्री, माइनस वन जीरो थ्री, टू माइनस थ्री जीरो, टू माइनस थ्री जीरो, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में सीधा बोला है इसमें हमको रेशियो फाइंड करना है, मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो माने अनुपात, इसके सारे एलिमेंट्स के उसके माइनर और कोफैक्टर में एम आई जे, और इसका हमको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट तो रहेगा नहीं, तो दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, एम वन वन, एम वन टू, एम एस, एक आध में निकाल के बता देता हूँ। जैसे मैं निकाल लूँ एम वन वन, या सीधा हम निकाल सकते हैं, ये फार्मूला मैंने बताया आपको, ए आई जे इक्वल माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये फार्मूला है अपने पास, देयरफॉर इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, या इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, एक मतलब एक ही है, ए आई जे अपान एम आई जे कर दिया मैं इसको, तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए आई जे अपान एम आई जे इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, इस तरह से हो जाएगा। तो देयरफॉर आपको ए आई जे फाइंड करना है और एम आई जे फाइंड करना है, ठीक है, तो आप इसके वैल्यूज को निकाल निकाल के यहाँ पर पुट करते जाओगे और माइनस के पाम में उसका आंसर आते जाएगा। जैसे मेरे को वन वन फाइंड करना है, तो ए वन वन अपान एम वन वन, आई जे का वैल्यू वन वन लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, और माइनस वन का पावर टू, मतलब माइनस वन का पावर टू मतलब वन, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इस तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर?
तो ये तो रेशियो फाइंड करने के बारे में बात हुआ। यदि इसी क्वेश्चन में हमको कोई बोले कि इस क्वेश्चन में -3 का, ये -3 एक एलिमेंट है ये, तो -3 का को फैक्टर निकालो बोल रहे हैं। मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है ना, मैं एडिशनल इसमें बता रहा हूँ, -3 का को फैक्टर निकालो बोल रहे हैं। तो आप सबसे पहले डिसाइड करो कि -3 भाई है कहाँ पर, तो कहाँ पर है ये, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो में है, सॉरी थर्ड रो में है, थर्ड रो में है ना, ये थर्ड रो है, ये R3 है और ये C2 है, तो थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 3-2 हो गए। तो क्या निकालेंगे अपन, A3-2, मतलब पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि -3 कहाँ पर है, तो -3 थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो दैट मीन्स आपको घुमा के क्वेश्चन बोल रहा है, वो M32 निकालो न कह के वो बोल रहा है -3 का को फैक्टर निकालो। तो फिर फार्मूला आपने क्या है, -1 to the power दोनों का सम 3+2 और इनटू M32, ये हो जाएगा दैट इक्वल -1 to the power 5 और इनटू M32 अपन आप क्या लिखोगे, ये थर्ड रो और इसको छोड़ दोगे तो हो जाएगा 0 माइनस 2 और कौन से एलिमेंट्स बचा, -1 3, ये बचा -1 3 दैट इक्वल -1 का पावर 5 मतलब क्या, 8 नंबर है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 into 3 0 और माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है तो हो जाएगा 2, ये 2 ये इसका आंसर हो गया। मतलब आपको किसी पर्टिकुलर नंबर का को फैक्टर निकालने के लिए बोल सकता है, आपको बोले कि -2 का को फैक्टर निकालो तो क्या करोगे, वो फर्स्ट और थर्ड कॉलम में है तो उसके हिसाब से निकालोगे। तो ऐसा अपन माइनर और को फैक्टर निकालते हैं, बहुत आसान है। तो इसकी आप अगले वीडियो में प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट्स के सारणी के मेन टॉपिक पर एंट्री करने वाला हूँ, क्लियर। तो आज मैंने उसका फंडामेंटल आपको क्लियर कर दिया, उसको आप अच्छे से करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके और क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।